ये शर्म नहीं आती क्या? गया नहीं अभी तक तू? भाई मुझे क्यों शर्म आएगी, मैं अभी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा था ना। कहाँ है गर्लफ्रेंड? तो क्या हो गया, तो वो नहीं आ रही अब? तो वैसे भी यहाँ पर स्टैग एंट्री अलाउड नहीं, निकल तू। स्टैग एंट्री? मैं तो साहिबा के साथ आया हूँ ना। मेरी बंदी है वो, मेरी भी तो बेस्ट फ्रेंड है। हे बड़ी, 160 ml। नयन, अभिषेक, मैगी 2। अरे नहीं नहीं ऑलरेडी मेरे पास है यार। क्राउड कितना अच्छा आ रखा है। नहीं और क्लब तो बहुत हैपनिंग है, बाकी पूरे क्लब की नजर तो एक ही बंदी पे टिकी हुई है, कहीं तेरी भी तो नहीं है? क्यों रहे? देख यार उसे ऊपर से नीचे तक, कितनी हॉट है। और मेरे बेड पे तो क्या हॉट लगेगी यार। बाकी मैं तो देख भाई पूरा ट्राई करने वाला हूँ, अगर आज इस बंदी के साथ मेकआउट हो गया ना तो पूरे क्लब को पार्टी। और तू भाई है, तू जरूर आएगा, तेरे लिए अलग से पार्टी है। बट तेरा ये प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा। क्यों? बॉयफ्रेंड है उसका। तुझे कैसे पता? बंदी है मेरी। अरे अरे भैया मैं तो ऐसे ही बस। अबे साले चूजे, शकल देखकर ऐसा लग रहा है माँ का दूध तूने पिछले महीने ही छोड़ा होगा। और हॉट चिक्स मेकआउट्स, हैंचो निकल जाए यहाँ से, नहीं तो गांड पे ने छेत्तर पड़वाऊंगा ना। अरे बैंड चोद, पूरी जनकपुरी बेस्ट मेरा नाम चलता है, तेरी गांड ना मैं ही फड़वाऊंगा। बताऊंगा तेरी माँ की। देख ले यहाँ भी लड़ाई करते फिर रहा है। ये तेरे को बिल्कुल शर्म वरम नहीं आती कि तू जहाँ जाते है वहाँ पे जाके लड़ता है? तू मेरे सच्ची बेइज्जती करवा के रखी हुई है। और एक मिनट, सिक्स टाइम है ये जो तू लड़ा है पब में। दे ना जवाब। रीजन दे तू लड़ता क्यों है, दे ना। वो ना कमेंट पास कर रहा था। वो कमेंट पास कर रहा था तुझ पर? तू लड़की है? मेरे पे नहीं कर रहा था, मतलब कर रहा था। तू पे किस पे कर रहा था? मेरे पे कर रहा था। और अगर कोई कमेंट पास करेगा मेरे ऊपर तो मैं साले को मारूंगा। मैंने मारा और मैं और लोगों को भी मारूंगा। हर बार देख दे रीजन। चल, टायर पंचर है। ये टायर कैसे पंचर हुआ? घर पे यार 5 बजे का बोल के आई थी, 5:30 हो रहे हैं, तू देख ले आधा घंटा लेट हूँ, मम्मी क्लास लगा देगी यार। तो तू ही तो कह रही थी ना आई लव बाइक राइड्स, आई लव बाइक राइड्स। ले बाइक से जा, मैं तो बोल रहा था कार ले चल रहा हूँ। इससे अच्छा ना अनिकेत के साथ ही निकल जाती मैं। इतना बकवास मत कर, कुछ सोच। अब एक काम करते हैं, कैब से चलते हैं। पर नहीं यार, वो तो 15 मिनट लगाएगी यार। इसको भी अभी पंचर होना था यार। लिफ्ट ले लेते हैं। हमें लिफ्ट कोई देगा? लिफ्ट रोक लो यार, रोकियो भाई एक सेकेंड। फक यार, तुझे लगता है हमारे लिए कोई रोकेगा और लिफ्ट देगा हमें? मुझे तो नहीं लगता आज के टाइम पे इतने भले लोग हैं जो हमको घर पहुंचा दे, कोई लिफ्ट नहीं देने वाला यार। रहने दे तू, तेरे बस की तो वैसे कुछ नहीं है, लेट मी ट्राई। ओए तू भी ट्राई कर ले, मेरे से तो कोई रुक नहीं रहा, तेर से देखते कैसे रुक जाएगा। मैं करके देख लूं। कर ले। अगर मेरी टांग पे गाड़ी ना रुके ना तो मेरा नाम भी साहिबा बिंद्रा नहीं। वो आप हमें लिफ्ट दे दोगे? हाँ जी मैडम, हाँ जाना है। अरे मैडम कहीं भी जाना हो छोड़ दूंगा, बैठ जाओ, आ जाओ। अरे मैडम कैब थोड़ी है, आगे बैठो ना, जहाज बना दूंगा, जल्दी आओ। आ गया भाई साहब, आपको कैब लग रही होगी, ये तो हमारी खास है इसलिए छोड़ना इनको, उतर जाओ। गर्लफ्रेंड है मेरी। गर्लफ्रेंड है? ओ भाई साहब फिर तो गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी। ओ क्या हुआ ना, गाड़ी क्लच में काम नहीं हुआ अभी, तो भारी बंदा आगे बैठ नहीं सकता, तो छोड़ नहीं पाऊंगा भाई साहब मैं आपको। आप पीछे बैठ जाओ, काम करो है? अरे अब दोनों पीछे बैठे। अरे यार अब तो डबल दिक्कत है भाई,
पीछे वाले टायर हल्के हैं मैडम, आप आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलिए भाई की जहाज बना दूंगा मैडम, आगे आ जाएगी तो जल्दी आ जाओ। तो फिर अरे यार वाइफ की कॉल आ रही है आपकी। वाइफ नहीं, वाईफाई, वाईफाई वाले को पेमेंट करनी है ना, वाइफ का कॉल नहीं है, कब आ रहा हूँ मैं तो अभी, पेमेंट करनी है वाईफाई वाले को। तो पैसे ले लियो, चला गाड़ी। भाई साहब पैसे की दिक्कत नहीं है, जॉब करता हूँ, मतलब एक सोर्स ही है, एडिशनल इनकम बोले क्या दिक्कत है, एक सोर्स। अच्छा एडिशनल इनकम अर्न करनी है तो बिनोमो ट्रेडिंग ऐप यूज करना भाई। अच्छा दो मिनट वेट करो मैडम आप। अच्छा भाई 2021 में ना बिनोमो के थ्रू तू घर बैठे बैठे एडिशनल इनकम अर्न कर सकता है। इसमें मैंने खुद डिपॉजिट करके काफी सारी इनकम अर्न करी है। तुझे करना क्या होता है देख, यहाँ पर मैंने फेसबुक से साइन अप कर लिया, उसके बाद तुम यहाँ पर टैप करके ना वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, मिनिमम इनकम जैसे मैंने यहाँ पर 350 रुपये लगा दिए। अब देख यहाँ पर तुम्हें 15 मिनट तक ना ग्राफ को प्रेडिक्ट करना है, या फिर तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब देख प्रेडिक्ट करते हैं, यहाँ मैंने ऊपर लगा दिए, ये ले भाई जीत गया ना 650 रुपये। सही चीज आ रही तो यहाँ पर तू 350 रुपये से डिपॉजिट कर सकता है, और अगर हमारा प्रोमो कोड यूज करेगा तेरा अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी 700 रुपये। इसके अंदर एक एजुकेशन ऑप्शन भी है जहाँ पर तू प्रोफेशनली सीख सकता है, एक डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकता है जहाँ पर तुझे ना प्रैक्टिस करने को मिलेगी, जैसे कि असेट्स कैसे अप जाते हैं और डाउन, और फिर तू तेरा जीता अमाउंट तू पेटीएम के थ्रू इजिली विड्रॉल कर सकता है। तो देर किस बात के, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से डाउनलोड करना, तेरे अमाउंट का 100% बोनस मिलेगा अगर तू वहां जाकर डाउनलोड करेगा। तो फटाफट कर ले, अभी डाउनलोड करता हूँ भाई साहब, अभी छोड़ दो ना पहले आपको, फिर डाउनलोड करूंगा। वैसे मैडम आपको रजौरी छोड़ना होगा है ना? हाँ रजौरी गार्डन, पर आपको कैसे पता? अरे मैडम रईसी देख के बता देंगे कहाँ रहते हो आप, और इन भाई साहब को जाकर फिर छोड़ देंगे। अबे ओ भाई मैं भी रजौरी गार्डन में रहता हूँ। अच्छा वैसे भाई साहब आप लगते नहीं हो रजौरी गार्डन के, शक्ल देख के अभी लगता नहीं है। शक्ल देख के तेरी भी नहीं लगता कि तेरी गाड़ी होगी ये। अरे ये बता आपको कैसे कैसे पता? सच में मेरी नहीं भाई साहब, मैं तो गेड़ी मारने के लाया हूँ, गेड़ी मारने के लाया हूँ मैं तो भाई, ऐसे घूम रहा हूँ निटल्ला, मेरी नहीं है भाई साहब। अरे यार मेरी सैंडल कैसे चुभ रही है ये। अरे मैडम क्या कर रही है हमें बता दो। हाँ क्या देख रहा है, सी चला ले गाड़ी भाई। ओए वो तो मैडम की रिस्पेक्ट है। हाँ चलाओ जाड़े यहाँ से, ऐसे कोई लिफ्ट देने वाले आदमी को मारता है क्या? अरे मैडम एक काम कीजिए, अपने पापा रजत शर्मा जी को बुलाइए। रजत शर्मा वो मेरे पापा नहीं है, वो ना बगल वाले घर में रहते हैं। अरे उसको छोड़ो, आप बताओ आप ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर ना मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है। अरे मैडम सुनिए तो, मैं कह रहा हूँ कि बिजली का बिल तो नहीं आ रहा होगा आपका? हाँ पापा बता तो रहे थे, इस बार बिल नहीं आया। अरे आने भी नहीं देंगे, जीरो कर दूंगा। मैडम ये बताइए घर के अंदर एसी कितने हैं? एक ही है। 3 लगवाइए। अरे मैं तो कहता हूँ 4 लगवाइए, सोता छत पे लगा दीजिए, जान दो ठंडी ठंडी आवाज जा रही है, क्योंकि बिजली का बिल तो जीरो। थैंक यू भैया। ये भैया मत बोलिए, ये भैया से बहुत नफरत है मुझे, ये भैया मत बोलिए। पर क्यों? वो देखो क्या है ना कि मेरी एक बहन थी, हमारा दोस्त रोज घर आता था, उसको भैया भैया बोलती थी, सर उसी के साथ भाग गए। सॉरी सॉरी, तो आपका नाम क्या है? चंद्र केतु शर्मा, बहुत बुरा नाम है ना। हाँ। साला बाप पे केस कर दिए, अब हम अपना नाम खुद रख लिए हैं, मिस्टर लव यू शर्मा। आप मिस्टर मत लगाइए, शर्मा ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लव यू बोल दीजिए बस। ओके मैं बोल दूंगी। तो बोलिए ना लव यू। एक बार और लव यू, और ना मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे नाम क्या नाम है हमारा? लव यू है, लव यू। तुझे पता है मैं कितनी देर तक वेट कर रहा हूँ? हाँ 15 मिनट हो गए हैं। जब तेरे को पता है तो आई क्यों नहीं यार, और क्या तू उससे गुप्त हो, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग?
अरे वो बिजली वाला था, शर्मा जी के बारे में बातें कर रहा था। शर्मा जी की बातें तुझसे क्यों कर रहा था? तेरे को पता है क्या, उसने ना हमारा बिजली का बिल फ्री कर दिया। फ्री कर दिया तेरा क्यों? अरे उनके दफ्तर में ना ऐसा होता है। एक मिनट, मेरे को नहीं सुनना, नहीं सुनना मेरे को, ठीक है? और वो तू लव यू लव यू कर रही थी उसे? उसका नाम है ना, उसका नाम ना पहले चंद्रकेतु था, बुरा है ना, तो उसने लव यू रख लिया तेरे को देख के। यार थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कर ले, हर वक्त तेरे साथ थोड़ी होऊंगा मैं। तू एक मिनट रुक, ओए इधर आ, रहने दे, इधर एक मिनट इधर आ। हाँ भाई बोलो। लव यू, वो मेरे घर का भी बिजली का बिल फ्री करा दे। वो क्या है ना, अपनों का कराते हैं और वो मैं करा चुका हूँ। क्या बे चंद्रकेतु? भैया ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भैया जी? भैंचोद भैया मत बोल, ये भैया मत बोल, बता रहा हूँ भाषे कुछ भी बोल दे, लेकिन भैया मत बोल, मुंह पे ऐसे ईंट फेंक के मारूंगा साले के। ठीक है भाषे कुछ भी भोसड़ी के। रुक, तेरी माँ का तेरे ट्रांसफार्म के अंदर आग लगाऊं। नाम क्या था? लव यू। ये क्या लव यू करेगा रे, तुझे समझ नहीं आता कि लोग तेरे साथ क्यों करते हैं यार? ऐसा मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है। तुझे कैसे समझाऊं यार, मेरा दिमाग खराब कर रही है। कुल कुल ये फूक फूक क्यों मार रही है, फूक से क्या होगा? और तू एक काम कर जा, अपने ना बिजली के बिल पहले फ्री करा ले, उसके बाद ना मेरे साथ चलती शॉपिंग वगैरह पे ना, ठीक है? चल तो फ्री हो गया ना, सही से करा ले पहले। और भी तो अरे अभी कहाँ, तेरे फूफा फूफी, तेरे मासा मासी, चाचा चाची सबका करा लियो ना, आराम से कर ले, चले जाएंगे आराम से। चला हाँ, करा ले पहले, करा ले। चल यार इस लड़के का क्या करूँ मैं, लड़ता रहता है हर किसी से, एक तो उसमें बुद्धि भी तो नहीं है ना, पर अब मैं क्या करूँ। मैगी पड़ी है घर पे, मैगी बना के खा लेती हूँ। हे क्यूटीज, सो कैसे हैं आप लोग? यू मस्ट बी थिंकिंग मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, है ना? चलो सबको ज्वाइन करने दो, फिर हम बातें बातें मारेंगे। वैसे आपने कुछ नोटिस करा मेरे लिपस्टिक का कलर? दिस शेड इज बर्बन 05 या इन शुगर। वैसे मैं सोच रही थी कि ना मैं बाल हाईलाइट करवा लूँ अपने, तो फिर आप मुझे, मेरे को ये बताओ कि मैं ये वाले बाल हाईलाइट करवाऊँ या ये वाले या फिर ये वाले, और कलर भी सजेस्ट करो। ओ तो सबने ज्वाइन कर लिया है ऑलमोस्ट। हाय अनमोल, हाय धीरज। मैं भी यही सोच रही थी कि जैकेट अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसे रिमूव कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप लोगों को क्लियर दिख नहीं पा रहा। एक मिनट, मैंने इसको ट्राईपॉड पे सेट करती हूँ। अब सही दिख रहा है? कैसी लग रही हूँ मैं? हॉट लग रही हूँ ना? बेली डांस। मुझे ना एक्चुअली डांस करना आता ही नहीं इतना अच्छा, बट आई विल ट्राई जस्ट फॉर यू गाइस, प्लीज डोंट जज। हाँ डेविड 025 कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपनी माँ बहन को बोलियो ये सब। एक सेकंड गाइस, फोन आ रहा है लाइव के बीच में फोन। हेलो, हाँ जी बेबी। हाँ हेलो, क्या चल क्या रहा है लाइव पे? बेबी आप लाइव हो? अबे मैं लाइव नहीं हूँ, मैं तुझे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अच्छा, मेरे को ना आपकी रिक्वेस्ट दिखी नहीं, रुको मैं आपको अभी ऐड करती हूँ। हाँ जी। क्या बोगी बोगी चल रहा है, ये डांस क्या कर रही है? बीबी लाइव पर हूँ ना, तो सबने बोला तो मैंने कर दिया। और ये छोटे कपड़े? बीबी ये टॉप तो आपने दिलवाया था ना? मैंने दिलाए थे? तू तो कह रही थी तेरी मासी के लड़के का बर्थडे, वहां पर गिफ्ट करने हैं, तू ले रही थी छोटे कपड़े? क्या भूली जा रहे हो? एक मिनट रुक। डेविड 025 कपड़े, मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ सबकी गांड फाड़ दूंगा। बैंड तो निकलो स्लाइड से, फटाफट निकलो, कपड़े उतरवाने तो मैं उतारू नीचे से कपड़े। ओ मेरे, नहीं नहीं देख लेना मेरा भोसड़ी के, तेरी तो बैंड के।
वैसे ना तुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं उसने। अबे ऐसे कौन किसी की लाइव में आके उसके फॉलोवर्स को गालियां देता है, तेरी तो इज्जत ही स्पॉइल कर दी उनने, माँ बहन कर दी पूरी लाइव में आके। अब तूने काम कर, तू जहर खा ले, अपना ना अकाउंट बंद कर दे, तेरे तो फॉलोवर्स भी कम हो गए होंगे। देख यार तू सही कह रहा है, एक बारी चेक कर लेती हूँ। नहीं यार अन्नी, दो बढ़ गए। ये दो बड़े नहीं है, ये दो वो लोग है जो देखने आए। ये वो ही लड़की है जिसका बॉयफ्रेंड लाइव पे आके माँ बहन करता उनके फॉलोवर्स की। तेरे इतने लॉयल फॉलोवर्स थे यार, क्या बताऊं, अब तेरे को कभी फॉलो नहीं करेंगे वो, और गालियां भी लिखेंगे तेरे लिए। तू ब्रेकअप कर ले यार, मैं उसको छोड़ नहीं सकती, वी आर इन अ सीरियस रिलेशनशिप। सीरियस? इतना सीरियस ठीक रहेगा यार अन्नी? मुझे पता है तुम मुझे अच्छा फील करवा रहे हैं, बट तू समझ ना, मैं नहीं छोड़ सकती उसको। तू नहीं समझ रही यार, देख तू ब्रेकअप कर लेगी तो तेरा ही फायदा है, देख इसमें दो फायदे हैं तेरे, और तू ब्रेकअप करेगी तो इसमें मैं भी फ्री मिलूंगा तेरे को, समझ रही है? मतलब मैं हूँ मतलब यहाँ पे, नहीं तो मैं भी तेरे से बात करनी बंद कर दूंगा। ब्रेकअप कर ले भाई, देख मेरे माने तो ब्रेकअप कर ले। मैं तुझे फोर्स नहीं कर रहा, तुझे ब्रेकअप करना है तो कर ले, नहीं करना तो सोच ले फिर कर ले। आ गई क्या तू? यार तेरे को कितनी देर से मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ, तू उठाई नहीं रही। चल अब आ गई है तो बिल्ले के लड़के का बर्थडे है तो वहाँ पर चल, मेरे साथ मेरे दोस्त आएंगे, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ यार मैं ना आज इसलिए नहीं आई, हमें ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और ना मैं नहीं चाहती कि ब्रेकअप के बाद तेरे पास मेरी कोई चीज़ रहे और मेरे पास तेरी, जिससे हमें याद आए। तो एक काम करते हैं, एक दूसरे की चीज़ें ना वापस कर देते हैं। वो घड़ी वापस कर, मैंने तो जीती थी। तो इस हिसाब से तो अपने घर का पूरा वार्डरोब उठा के ले आती ना तू? क्यों, दो टॉप मेरे भी हैं उसमें, और तू कैसे बेकार की बातें कर रहा है यार? तू बेकार की बातें कर रही है, तुझे लगता है ये रीजन है? मैं तेरी लाइफ में जाकर गाली दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस तू मेरे से ब्रेकअप करने आई है? यार तू पागल है क्या बोले जा रही है? और अकेला ना सिर्फ यही रीजन ही है कि हम दोनों अलग हुए, ऐसे ना बहुत सारे रीजन है जो मेरे ना माइंड में स्टिक कर रहे हैं। यार मेरे को ना ऐसे फील हो रहा है जैसे ना तू मेरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, मुझे कंट्रोल कर रहा है। और एक तो इतना ज्यादा ओवर पोजेसिव है ना कि मेरे सारे दोस्तों मुझसे बात करने छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तुमसे भी लड़ पड़ेगा, कि तू सबसे ही लड़ता रहता है ना, और रीजन तक नहीं बताता। मुझे ना ऐसा लगता है कि हम दोनों ना आइडियल कपल है ही नहीं, और परफेक्ट मैच तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें ना मूव ऑन कर लेना चाहिए। यार तुझे पता है ना तू कितनी हॉट है, और जब लोग तुझे गंदी नजर से देखते हैं तो पीट देता हूं दो चार को, मार देता हूं उनको, तो इसका मतलब ये थोड़ी तू ब्रेकअप कर लेगी। और अगर तेरे पे कोई बैड कमेंट करेगा तो मैं उसकी गांड फाड़ दूंगा। यही रीजन है, तूने काम कर, तू ना सबकी गांड फाड़ दे और ना अपनी भी फाड़ लियो। आ तुझे मैं एक चीज दिखा दूंगा। ओ गर्मी इतनी, भाई बताओ ना क्यों बुलाया मुझे? अच्छा मारने के लिए बुलाया होगा। नहीं नहीं भाई मार लो, आदत है ना आपको, मार लो सुधार लो आदत। ओ भाई फोन दे दे यार, महंगा है। दे रहा हूँ। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, ये तूने एडवाइस करा होगा इसको ब्रेकअप के लिए? हाँ हाँ मैंने करा था। क्यों? ओए फ्रेंड है मेरी, इसका सही गलत सब जानता हूँ मैं, राइट है मेरा, एंड आई केयर अबाउट हर, और तेरी तरह नहीं इसकी हर जगह जाके बेइज्जती कराता हूँ, एंड आई नो बेटर ये क्या डिजर्व करती है क्या नहीं, और तुझे तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, तो इसलिए इसको सजेस्ट किया कि तुझे छोड़ दे ब्रो, सिंपल। हाँ सही बात है, सजेस्ट तो करेगा डेविड। हाँ मैं सही सजेस्ट करता हूँ, डेविड 025। बेबी ये तो वही है ना जो मुझे तूने गंदे गंदे डीएम भेजते है, सुनो बड़ा स्टॉकर है ना मेरा, और मेरी लाइफ पे आकर ना तूने बकवास कमेंट कर देना, अगर ये मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो कौन पा। एक बार तेरा फोन चेक करियो, देखो टेक्स्ट आया क्या डेविड का? हाँ सॉरी, एक सेकंड में बाबा, सॉरी दीदी माफ कर दो, ऐसा ही लिखा है क्या? हाँ। डेविड 025, इसी के फोन से मैंने देखो टेक्स्ट किया। डेविड यही है
बट अब क्या ही कर सकते हैं, तूने मारने के लिए मना करा है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो एक काम कर भाई तू जा। सुन, तुझे जो करना है इसका कर ले। अच्छा सुन, आज की तूने मेरी बंदी वाली बात, आपको मजा आया होगा, ये होप कमेंट करें, जरूर बताना, जरूर जरूर, ठीक है, चलो जाओ, लव यू।